बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद है खैरियत से होंगे टू जेड कार सिस्टम में खुश आमदीद आज मैं आपके साथ एक्सल आई के मैफ सेंसर के बारे में बात करूंगा जिसे हम मास एयर फ्लो सेंसर भी बोलते हैं इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में आपके साथ बात करूंगा और इसका काम क्या है इंजन के अंदर या अपना क्या काम सर अंजाम देता है उसके बारे में बात करूंगा तो वीडियो गौर से देखें लास्ट तक बात करें इंशाल्लाह आपको वीडियो देख के फ़ायदा हासिल होगा सबसे पहले हम वायरिंग की बात करने से पहले बात करते हैं कि इंजन के अंदर काम क्या क्या काम सर अंजाम देता है मैप सेंसर मास एयर फ्लो सेंसर दो काम कर रहा है एक तो ये इंजन के अंदर जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है ये कंप्यूटर को बताता है दूसरा काम ये कर रहा है कि जो इंजन के अंदर जो हवा आ रही है उसका प्रेशर कितना है ये कंप्यूटर को बताता है फिर कंप्यूटर क्या करता है उसके आउटपुट में उसके आउटपुट में इंजन को फ्यूल प्रोवाइड करता है इंजेक्टर पर पल्स एडजस्ट करता है अब हम बात करते हैं इसकी वायरिंग के बारे में आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं आपके सामने एक्सल आई का मास एयर फ्लो सेंसर मौजूद है ठीक है इसमें जो एक नंबर पिन आपको नज़र आ रही है जहाँ पे आई जी लिखा हुआ है इसमें आपको छब्बीस उच का करंट मिलेगा दो नंबर पिन जो आ रही है जहाँ पे ई मैप लिखा हुआ है ये मैप की वायर है ठीक है तीन नंबर पिन जो आपको लिखा हुआ है टू ई मैप आउट यहाँ से मैप सेंसर की आउट निकलेगी यहाँ से मैप सेंसर की आउट मैप की आउट निकलेगी ठीक है और जो चार नंबर पिन आपको नज़र आ, आ रही है आई सेंसर चार चौथी पिन जो है ये आई सेंसर की है ठीक है यहाँ से IAT सेंसर की आउट निकलेगी और जो आपको पाँच नंबर पिन नज़र आ रही है इसमें आपको ग्राउंड मिलेगा यानी अर्थ मिलेगा यानी एक नंबर पिन में आपको चाबी स्विच का करंट मिलेगा अगर मैप सेंसर काम नहीं कर रहा ठीक है सबसे पहले एक नंबर पिन में इसका चाबी स्विच का करंट चेक करें और पाँच नंबर पिन में इसका ग्राउंड चेक करें ठीक है अगर यहाँ पे करंट नहीं आएगा चाबी स्विच का करंट नहीं आएगा फिर भी मैप सेंसर काम नहीं करेगा पर गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी और काला धुआं देगी और इंजन मीटर में जो चेक लाइट है वो ऑन हो जाएगी अगर ग्राउंड भी नहीं आएगा ठीक है ग्राउंड भी किसी वजह से बंद हो जाएगा फिर भी मास एयरफ्लो सेंसर काम नहीं करेगा